टाइम अभी हुआ है 3:08 और हम निकलते हैं पेंगोंग लेक से हानली की तरफ। तो गूगल दिखा रहा है 5 घंटे का रास्ता, करीबन 130 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी फिर निकलते हैं। भैया हानले जाने का रास्ता कौन सा होगा? ऊपर वाला है ना? ठीक, फिर ऊपर वाला रोड बोल रहा है। छोटा छोटा कॉटेज है इधर, कॉटेज सीजन में 3000 में मिलता है, और ऑफ सीजन जैसे कि इस टाइम पे 2500 में मिल जाता है, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तीन हजार एक रूम का। तो अभी रास्ता तो ऐसा ही है, ऊबर खाबर। तो पेंगोंग लेक को बाय बाय कर देते हैं नेक्स्ट टाइम तक के लिए, और अभी हम निकलते हैं इधर से टुवर्ड्स हानली। तो ये पूरा पेंगोंग लेक है, ये लेक आधा चाइना ऑक्युपाइड टिबेट में भी है। और इस टाइम पे थोड़ा कम है टूरिस्ट, और हम निकल रहे हैं यहाँ से। और रोड्स बहुत अच्छा है अभी तक, आगे कैसा रहेगा देखते हैं। जो रिवर क्रॉसिंग यूट्यूब में बहुत बड़ा दिखता था, वो रिवर क्रॉसिंग एक्चुअल में यही है, जो अभी इसका लेवल थोड़ा कट गया है। अच्छा, पूरा पैर भीग गया। तो अभी 4:30 हो गया, और पेंगोंग लेक के बाद ये दूसरा गांव है, दूसरा गांव इधर दिख रहा है। तो इधर जाके हम चाय पानी करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ये कौन सा गांव है ये नहीं आइडिया मुझे, अब जाके पता करना पड़ेगा। तो अभी पहुंच गए चुसुल। चुसुल में दो रास्ता है, अरे पता नहीं कौन है इधर। हाँ, तो चुसुल से रास्ता अलग अलग के वैसा। और अभी हम एंटर कर रहे हैं चुसुल, बहुत ही बढ़िया गांव है, ग्रीन फील्ड है अच्छा वाला, और छोटा छोटा गाय है। और यहाँ चुसुल पहुँचने से पहले दो रास्ता है, दोनों रास्ता हानले की तरफ जाएगा, लेकिन जो राइट वाला रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट वाला ले लिया। तो अभी जा रहे हूँ हानले की तरफ, और आगे रुक के एक जगह में चाय पीना पड़ेगा भाई। हाँ, चुसुल तक रास्ता अच्छा है, और चुसुल से राइट की तरफ लेना है,
हानले जाने का रास्ता, और वो थोड़ा ऑफ रोडिंग है इस टाइप का। अब पता नहीं ये कहाँ तक है ऐसा है, रिजांगला होके जाएगा ये, पता नहीं कहाँ तक ऐसा ऑफ रोडिंग चलना है, कोई नहीं लेकिन चलते हैं। अभी पता नहीं और कितना जाना है ये वाला रास्ता, होप कि आगे से रास्ता अच्छा होगा। चुसुल क्रॉस करते इस टाइप का टेरेन मिलता है, पूरा ड्राई, लड़का लोग आगे जा रहा है और यहाँ पे ऐसा है। तो फिर निकलते हैं, और ये रास्ते में कोई भी नहीं अभी, सिर्फ हम तीन बाइकर्स ही हैं सिक्किम का। क्यों भाई जो सौंप देना आशीष, रिकॉर्डिंग दिन था। अब इससे रात में और ठंड में फिर से वाटर क्रॉसिंग, यह बढ़ते साजन। ये वाटर क्रॉसिंग इरिटेट कर देता है, दिन के टाइम में होता तो सही था, रात के टाइम में बहुत इरिटेटिंग होता है, जूते में पानी घुस जाता है, ठंड लग जाता है। और पता नहीं कितना है ये रास्ता ऐसा ऑफ रोडिंग इरिटेट कर देने वाला। एक बार फिर से यहाँ पर भी होगा रिवर क्रॉसिंग, और ये रिवर क्रॉसिंग कुछ टफ होने वाला है। टफ होने वाला है, मेरे तो गाइडिंग से नहीं बोल रहा है।
अबे जूता भिजे नहीं डाले, जूता डाले भिजा क्यों जाने कैसे तो लेना क्या जाएगा यहाँ और किन्हें तो फिरी बैठ बैठ आया ले दान हाल दे हाल कर दिया ये रिवर क्रॉसिंग ने होते होते बने त्यां बने ले बने को हालांकि निकाल लेने सीन जा निकाल लेने बैठे अभी भी हानले नहीं पहुंचा है और ये दोस्त का फ़ोन है लगभग छः बज गया होगा 5:30 ऐसा हो गया होगा टाइम और पता नहीं कहां पहुंच गए अभी जा ही रहे हैं हम लोग यहाँ पर कुछ रास्ता खराब है और फिर से GoPro का बैटरी डाउन है अब हानले पहुँच के ही रिकॉर्डिंग करेंगे तो अभी टाइम हुआ है 6:30 और हम लोग पहुँच गए सागा विलेज और यहाँ से हानले है अबाउट 70 किलोमीटर और बोल रहा है आधा घंटा जैसा लग जाएगा और अभी सनसेट भी हो गया और थोड़ा ठंड होने लग गया है पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है तो यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुका हूँ इधर टी ब्रेक भी किया और मोचा भी चेंज कर लिया और चाय पीने के बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स हानले और अब तक दो तीन वाटर क्रॉसिंग किया मज़ा आ गया लेकिन ठंड की वजह से इरिटेट हो गया अभी भी हमको जाना है 1 घंटा 43 मिनट्स का रास्ता 67 किलोमीटर चलना है और टाइम अभी हुआ है 7:14 अभी निकलते सो इट्स ऑलरेडी 9:34 एंड वी हैव रीच हानले 9 बजे पहुंच गया था हानले में अभी आधा घंटा से हम होटल ही ढूंढ रहे हैं होटल नहीं मिल रहा है ऑल होटल पैक्ड तो अभी दोस्त लोग ढूंढने गया है तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू